अगर आप एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक जिन्होंने वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है, यानी कि इस योजना में धोखे से उन्होंने वॉलंटरी सरेंडर पर ऑप्शन पर क्लिक करके पूरा प्रोसेस कर दिया, जिससे कि उनकी जो ये योजना है वो सरेंडर हो चुकी है, उनको अब इस योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है और अब आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि भाई आपका इस समस्या का कैसे आपको समाधान मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में 100% वर्किंग समाधान मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे दोबारा से आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए मौका मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके लिए आपको एक बार आपके मोबाइल फोन के गूगल पर आना पड़ेगा, उस पर आप टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि, उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली वेबसाइट का जो लिंक आपको दिखाई देगा वो पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स। बहुत सारे किसान सम्मान निधि धारक ऐसे थे जिन्होंने इस ऑप्शन पर आकर अपनी इस योजना को सरेंडर कर दिया। देखिए, इस योजना पर सरेंडर करना भी इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपकी योजना के बेनिफिट्स आपको मिलना बंद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है, ओटीपी आता है, सबमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब जाकर आपका ये समस्या आपके साथ बनती है। लेकिन अगर आपने फिर भी ऐसा कुछ कर दिया है तो जैसे कि अभी हमने इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको बताया जाता है कि यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना पड़ता है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देते हैं, उसके बाद आप इस कंसेंट करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को जहाँ पर आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करते हैं एंड देन गेट ओटीपी वाला ऑप्शन आपको मिलता है। इस गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके पीएम किसान सम्मान निधि के या फिर आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी चला जाता है, उसको आगे एंटर करके सबमिट करते हैं तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। फिर आपका ये वॉलंटरी सरेंडर आपकी बेनिफिट्स हो जाते हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि भाई ये योजना आप त्यागना चाह रहे हैं, आपको इस योजना के बेनिफिट्स नहीं लेने हैं, तो इसलिए आपने इस ऑप्शन को चुना। क्योंकि ये टेक्निकल काम है, आप कर रहे हैं, आपने ओटीपी यहाँ पे एंटर किया है, तभी ये माना गया है कि आपने अपनी मर्जी से इसके बेनिफिट्स को त्यागा है, आपने मर्जी से अपनी इस योजना को छोड़ा है। तो अब आप दोबारा लेना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका कहना यह है कि बहुत सारे कमेंट भी हमारे पास आते हैं कि भाई गलती से धोखे से कोई और काम करना चाह रही थी, किसी और दूसरे ऑप्शन को समझकर आपने ऐसा कुछ कर लिया है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके रिगार्डिंग एक अपडेट आ चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि आप चाह रहे हैं कि आप दोबारा से आपको ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएं, इसके लिए कोई ऑफिशियली अपडेट तो नहीं आई है, बट एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि वो आपके लिए काम कर जाए और आप उसको एक बार आजमा कर देख सकते हैं, करके देख सकते हैं, आप करके देखिए। अगर आप भी उन किसान सम्मान निधि धारकों में से हैं जिन्होंने वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है और आप दोबारा से इस योजना के बेनिफिट को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो एक बार प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आपके आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है उसको आप चेंज कराइए, अपडेट कराइए, दूसरा नंबर आपके आधार कार्ड में अपडेट कराइए और उसके बाद एक नया आवेदन आपको फिल करना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली वेबसाइट पर आप आएंगे, उसके बाद एक नया आवेदन आपको यहाँ पे करके देखना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली वेबसाइट पर आने के बाद न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जिस तरीके से पहले आपने एक नई प्रक्रिया की थी, एक नया अपना रजिस्ट्रेशन किया था, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे एक बार दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है एक नए नंबर के साथ, क्योंकि आपने अपने आधार में अपना अगर नंबर बदलवा लिया तो बदले हुए नंबर के साथ में अगर आपका यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वेल एंड डन, और अगर नहीं होता है तब भी आपको आपके आधार कार्ड का रजिस्टर्ड नंबर को चेंज करवाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूं, एक तरीका बता देता हूं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कृषि विभाग के लिए, आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसको लिखने के बाद आपकी जमीन की जो फर्द है, आपका जो आधार कार्ड है और आपका जो पुराना पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको नोट करके अपने एप्लीकेशन में लिखेंगे और आपकी तहसील में जाकर कृषि विभाग में आपको प्रोवाइड कराना होगा और आपको बताना है कि भाई धोखे से आपसे वॉलंटरी सरेंडर हो चुका था, अब आपको एक नया रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आपका डेटा पुराने रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है
और अगर आप ये साबित कर पाते हैं कि आप योग्य हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेने के लिए, गलती हुई थी आपसे जिस वजह से आपको इसके बेनिफिट्स मिलना बंद हो चुके हैं, तो दोबारा से आपको इस स्कीम में योजना का लाभ मिलने लगेगा और जो साल में 6,000 रुपये सभी किसानों को मिल रहे हैं आपको भी प्राप्त होने लगेंगे। बस यही इसकी अपडेट है और यही प्रोसेस है। अब तक वैसे वेबसाइट पर ऑनलाइन इसका कोई भी सॉल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं निकल कर आया है कि जितने भी वॉलंटरी सरेंडर हैं वो दोबारा से इस स्कीम को, इस योजना को घर बैठे अप्लाई करके कैसे ले पाएंगे। तो यही एक अपडेट थी। अगर आप ऐसी कोशिश करके देखते हैं, अगर आपकी ये कोशिश कामयाब होती है तो आप हमारे इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।